बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी होस्ट महम ज़हरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मार्केट व्यू 360। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ मेहमान हैं वो हैं सुहेल फारूक, और उनसे हम पूछेंगे कि अभी सियासी हालात जो मुल्क के चल रहे हैं उससे हमारी स्टॉक मार्केट कितनी मुतासिर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले ये बताएं कि जो अभी लास्ट वीक गुजरा है मार्केट का, उसमें क्या कंडीशन रही है मार्केट की? देखिए, जब भी कोई ऐसी तरह के हालात होते हैं ना जिसमें अब समझे अदम एतमाद है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल नॉइज़, अब ये गैर यकीन की सूरत हाल जो होती हैं, इससे पहले भी हुई थी, पिछले साल भी आपको याद होगा, उससे पिछले साल भी, और हर साल होती है, कोई ना कोई एक महीना होता है। पहले नवंबर का महीना था, इस दफ़ा एक तो साथ साथ महंगाई, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, इसके बाद यूक्रेन और रशिया की वॉर, और साथ में हमारा ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये सब चारों पाँचों चीज़ें मिल के मार्केट को इन्होंने बिल्कुल दबा दिया, प्रेशर में कर दिया। अब कुछ मामला जो हैं वो निपटते जा रहे हैं, जैसे कि एक मॉनेटरी पॉलिसी हो गई तो डेढ़ महीने के लिए सारा सुकून का सांस है, लेकिन एक चीज़ हुई है साथ कि टी बिल्स ऑक्शन जो हैं वो छः महीने के और साल के वो थोड़े महंगे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा मतलब एक अंदिया है, अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में या अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाइक हो जाए। एक तो ये हो गया, तो ये तो सेटल डाउन हो गया ना। दूसरा, रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा रुके, क्योंकि ऑयल प्राइसेस और कोल प्राइसेस नीचे आए हैं और इनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, और यूक्रेन हो सकता है कि मान जाए कि वो नेटो में ना जाए और रशिया की बातें मान जाए, दूसरा सिलसिला हो गया। फिर तीसरा जो सिलसिला है वो है सबसे बड़ा जो है वो हमारा ये सियासी मसला। अब सियासी मसले में हम कभी भी आखिरी वक्त तक कुछ नहीं कह सकते, जैसे आप लोगों को आप सबको याद होगा कि जब हफीज़ शेख साहब हारे थे एक सीट, तो उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, 3-5 हज़ार पॉइंट नीचे चली गई थी, लेकिन उसके बाद जो ही सेनेट में इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन में जो मेजॉरिटी आई वो PTI के पास आ गई, तो मार्केट बढ़ गई। तो इस दफ़ा भी यही है, अनसर्टन सिचुएशन होती है, मार्केट उसको लेके अप एंड डाउन चलती रहती है। परसों हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें इनको मोशन जमा कराना था फॉर नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट PM, तो वो 2:30 बजे खबर आई और उस एक घंटे के अंदर मार्केट 400 पॉइंट गिर गई। तो ज़ाहिर बात है, इस तरह की चीज़ें हैं मार्केट के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करती हैं। फिर कल का दिन भी मार्केट रेंज बाउंड रही और 100-150 प्लस 125 प्लस इस तरह चलती रही और रुकी रही कम वॉल्यूम के साथ। आज क्योंकि ऑयल अचानक से कम हुआ $20 और कोल कम हुआ, और ऐसा लगा कि रशियन वॉर वगैरह थम जाएगी, और कुछ यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि 50-50 मामला है, परसों तरसों तक लग रहा था कि ज़रा अपोजिशन का पलड़ा भारी है, आज कल इमरान खान साहब जो कराची आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज और आज जिस तरह चीज़ें चल रही हैं बहुत एग्रेसिव मोड में चल रही है ना, और उसमें ये भी कहा गया है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जल्दी से सेशन बुला लिया जाए, तो कुछ दोनों फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो कहीं से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आप ये नहीं कह सकते कौन सी पार्टी इस वक्त ऑन पेपर या बाय फेस बॉडी लैंग्वेज से कौन सी मजबूत दिख रही है, तो दोनों 50-50 है। तो मार्केट आज जो बढ़ी है उसकी वजह यह है कि एक तो मार्केट बहुत नीचे चली गई थी, दूसरा यहाँ पर मामला अब ज़रा इवन सा है, और दूसरे जो मसले हैं थोड़े से वो थम से गए हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया। अच्छा, ये तहरीक अदम एतमाद अगर मंजूर हो गई तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सी हुकूमत आएगी? देखिए, ये एक तो होता है पहले तहरीक अदम एतमाद के बाद इन हाउस चेंज सबसे पहला ऑप्शन होता है, और इसके बाद या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अगर असेंबली तहरीक भी कर सकते हैं उससे पहले कि उनको लगे कि नहीं अदम एतमाद की तहरीक में मुझे ये ऐसा निकाल दिया जाऊँगा, या वो भी ऑप्शन उनके पास मौजूद है, अगर उसमें ये रिस्क लेते हैं चांस लेते हैं और आपके कहने के मुताबिक अगर ये पास हो जाती है या अपोजिशन जीत जाती है उसमें, तो फिर एक और सिलसिला भी होता है कि मखलूत हुकूमत बनाई जाती है और फिर इलेक्शन कराए जाते हैं। लेकिन सिचुएशन इस वक्त जो है हमारी इकनॉमी की वो ऐसी नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आके भी या इन हाउस चेंज करके भी या मखलूत हुकूमत बना के भी या इलेक्शन करा के भी इन सब चीज़ों को जो जितने पिंडोरा बॉक्सेस खुले हुए हैं, जैसे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, हमारे यहाँ महंगाई है,
गवर्नेंस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने। अगर अदम एतमाद की तहरीक को दिमाग में लोग रखें सिर्फ, और अगर फ़र्ज़ करें, सोचें कि भाई ये हो जाता है, इमरान खान साहब हट जाते हैं, तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, वो किसी के पास आंसर नहीं है। तो इसलिए हमें लगता नहीं है एज ए बिजनेस मैन, हम ये पॉलिटिकल साइड की तरफ नहीं बात कर रहे, एज अ बिजनेस मैन लगता है कि ये मामला कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके ये ख़त्म हो जाएगा और ये फ्लॉप शो होगा। इससे मज़ीद जो है ना मार्केट और कितनी ख़राब हो सकती है, और जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट की है उनको इस वक्त जो है ना वो किस तरफ जाना चाहिए? मार्केट तो देखें, जब लास्ट टाइम आप शायद मेरे इंटरव्यू करने आई थी तो मैंने आपको कहा था मार्केट उस वक्त ख़राब, उस वक्त 45,000 से ऊपर चल रही थी, और इंडेक्स उसके बाद अब गिरा 2,300-2,400 पॉइंट गिर गया, तकरीबन 2,500 पॉइंट उसके बाद गिरावट आ गई। और मैंने कहा अभी तक ये वक्त नहीं है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का, और इन्वेस्टमेंट का जो वक्त था वो था कल परसों, जो मार्केट गिरी हुई थी, पैनिक में होती है जब दुनिया को पूरी लगता है कि अब मार्केट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल पैनिक सिचुएशन होती है, ब्लड बाथ होती है, वहाँ बाइंग करनी थी तो लोगों ने कल की परसों की, जो अच्छे इन्वेस्टर्स थे। और अभी मार्केट सस्ती ही है, हाँ अब ये हो गया है कि पहले कल के दिन जो रिस्क और रिवॉर्ड था, रिस्क था कल 15% और रिवॉर्ड था 85%, परसों भी यही था, तो आज समझ लें कि रिस्क हो गया 25-30%, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी महंगी हो गई। आप परसेंटेज वाइज समझ लें तो 700-800 पॉइंट अगर बढ़ जाएं किसी मार्केट में तो 2-3% आपकी मार्केट बढ़ गई, और प्राइस वाइज भी 5-6% बढ़ गई, तो अब आपका रिस्क थोड़ा आज बाय करने जाएंगे तो थोड़ी रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ गया, लेकिन फिर भी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से द लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी और बहुत सस्ती है, ब्लू चिप्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और कंपैरेटिवली दुनिया भर की मार्केटों में या इवन हमारे ऐसी मार्केट है जो हमसे बराबर बराबर मुल्क हो उनसे भी सस्ती और सबसे चीपेस्ट मार्केट है ना स्टॉक मार्केट अगर है किसी की तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा वैसे जो है ना वो अगर स्टॉक मार्केट में जितने ब्रोकर्स हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो यही बोलते हैं कि जब मार्केट में जो है ना वो हालात ख़राब हों, मार्केट प्रेशराइज हो, जब भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन लोग जो हैं इन्वेस्टर जो हैं जो पैसे लगाते हैं वो ऐसे वक्त में मार्केट से दूर भागते हैं, इसमें क्या आप बोलेंगे, आप क्या नज़रिया रखेंगे अपना? नज़रिया नहीं, सिंपल है, ये सालों से सबसे जब से दुनिया बनी है और जब से इन्वेस्टमेंट बनी है, इंसान जब होश में आया है और जब उसने बार्टर ट्रेड करना शुरू करी है या तिजारत करना शुरू करी है, ये जब से है और जब दुनिया ख़त्म होगी जब तक रहेगा। सिर्फ थोड़े से लोग ही इस बात पर उस चीज़ को फॉलो करते हैं और थोड़े से लोग ही दुनिया में कामयाब होते हैं, ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल से है, और आने वाले अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी जब तक रहेगी, दुनिया जब तक रहेगी जब तक रहेगा। जब आप ब्लड बाथ होता है, जब बिल्कुल ख़राब मार्केट होती है, मोटी मोटी लोग किताबें पढ़ तो लेते हैं लेकिन असल में जो डिसीजन है वो असल चीज़, तालीम नहीं होती, तालीम नहीं होती, जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, जो हौसला होता है इंसानों के अंदर, वो उसको कामयाब बनाता है। असल में ये होता क्या है कि जब मार्केट बिल्कुल ब्लड बाथ होती है उसके साथ ही इवेंट होते हैं ना ये सारे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वॉर, COVID-19 फलाना ये वो, उस वक्त लोग नहीं ले सकते हैं, और वो उस वक्त वही परसेंटेज लेती है, कामयाब लोग 5-10%, और वही लोग फिर उनको बेच रहे होते हैं जब वो 90% लोग जब ऊपर भाग रहे होते हैं ना लेने के लिए कि मेरे हाथ से माल चला गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब उनको लगता है कि तेज़ी है तो फिर वो लोग जिसको आप कह रही ना कि जो नीचे कल परसों या गिरी हुई मार्केट में लेते हैं, आज उनको वो शायद थोड़ा बहुत आज बेच रहे होंगे या फिर और कॉन्फिडेंस उनको आएगा तो पब्लिक जब और चढ़ेगी तो थोड़ा वो और बेचेंगे। तो ये याद रखिए दुनिया में हमेशा यही परसेंटेज रहेगी, 5%, 10%, 15%, ऐसे ही लोग जो है बिल्कुल गिरी हुई मार्केट में, मंदी में, जब यहाँ पर ऐसा लगा होगा ना मातम मचा होगा तभी वो लोग लेते होंगे, और वो लोग वही स्मार्ट लोग जब सारी दुनिया तेज़ी में होती है ना, एवरीबडी इज़ जीनियस इन बुलिश मार्केट, ये बड़ा एक फेमस कॉल है, उसको उसमें तब बेच रहे होते हैं वो। और ये परसेंटेज आप आज से 10 साल बाद इंशाल्लाह देखेगी ना यही रहेगी, जब मंदी में कमी लोग लेंगे और तेज़ी में कमी लोग बेचेंगे। अच्छा पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद चल रहा है, सियासी मसला, इसमें अगर जो है वो हुकूमत चेंज हो गई या ये मंजूर नहीं हुई तो जो अगली हुकूमत आएगी उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट के हवाले से, कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं देखें मार्केट्स जो है ना वो सिर्फ प्योर अपने डायनेमिक्स पे चलती हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या है, पॉलिसीज़ जो बन रही हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली हैं कि नहीं हैं।
अगर कोई भी लीडर होगा या कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसको उसके चेहरे को या उसकी पार्टी नेम का स्टॉक मार्केट से या बिजनेस मैन से कोई कंसर्न नहीं होता। बिजनेस मैन का मतलब होता है फ्रेंडली पॉलिसीज़, रिफाइनरी पॉलिसीज अच्छी हों, टेक्सटाइल पॉलिसी अच्छी हो, आपकी ट्रेड पॉलिसी बेहतर हो, आपकी जो फॉरेन अफेयर्स हों वो ज़्यादा बेहतर हों। तो जो भी आएगा मार्केट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव उसी वक्त साबित होगा कि उसकी पॉलिसीज, उसका मंशूर जो होता है वो बताएगा भाई कि मैं ये चाहता हूँ, ये करूँगा, और उसके ऊपर फिर चलेगा तो फिर होगा। फिलहाल वक्ती तौर पर मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में आ जाएगी, स्टक हो जाएगी, क्योंकि अगर ये आदम एतमाद तेरी कामयाब हो जाती है, नहीं होती तो फिर तो वेल एंड गुड है, चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि पॉलिसीज़ का तसलसल चलता रहेगा और जो उन्होंने सोचा हुआ है या जो आधे काम है वो चलते रहेंगे। लेकिन अगर ये आदम एतमाद तेरी कामयाब हो गई तो फिर जो सेटअप आएगा वो निगरान सेटअप आएगा या इन हाउस चेंज होगा, जो भी होगा, तो मार्केट उस दौरान स्टक हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऐसे हालात में जहाँ सियासी मसले भी जो है ना उरूज पर हैं और स्टॉक मार्केट ऑलरेडी प्रेशराइज है, तो ऐसे हालात में कौन से जो है ना वो कौन सी कंपनीज हैं, आप टॉप 5 कंपनीज कौन सी देखते हैं जिसमें जो है ना जिसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, हमेशा से उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका हिस्टोरिकल डाटा, थोड़ी सी लोग मेहनत करें तो मिल जाता है, लेकिन हमने भी काफ़ी चीज़ों को परखा है, लोगों को बताया है। कंपनी है एक मिलर ट्रैक्टर, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर में एंग्रो कॉरपोरेशन है, उसका बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वो एक अच्छी ले सकते हैं आप। इसी तरह डिफरेंट सेक्टर में जाएं तो फार्मास्यूटिकल में हाइनून ले लें, फिर इस तरह अगर टेक्नोलॉजी में जाएं तो सिस्टम्स लिमिटेड दे दें, वन ऑफ द बेस्ट है। इसी तरह अगर आपको सीमेंट सेक्टर में जाना है तो बेस्ट वे सीमेंट है या कोहार्ट सीमेंट है। कंपनीज ढूंढना अच्छी मुश्किल नहीं है, आप 30 कंपनीज का एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बना सकते हैं हर सेक्टर में से इक्का दुक्का निकाल के। अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर में जाते हैं तो एंग्रो फर्टिलाइज़र है, केमिकल में जाते हैं तो आर्क्रोमा है, ICI है, एंग्रो केमिकल है, और इसी तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह हर सेक्टर में कोई ना कोई है। स्टील में जाएँ तो मुगल ज़बरदस्त है, मुगल आयरन एंड स्टील है। फिर इसी तरह अगर आप दूसरे सेक्टर्स में जाती हैं, साइड के स्टॉक्स सेक्टर्स होते हैं उसमें कोई ना कोई कंपनी मिल जाती है, मुदारबा में मिल जाती है फर्स्ट इमरोज मुदारबा, फिर बैंकिंग सेक्टर में मीज़ान इज़ वन ऑफ द बेस्ट है, फिर MCB है। तो कंपनीज ढूंढना तो आसान नहीं, आसान है आपके सामने ही है, जो आपके सामने जो चल रहा होता है, जैसे मीज़ान बैंक है, बैंगल फला है, अभी मेट्रो है, बैंगल अभी भी, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। इसके लिए तो ज़रूरत नहीं है कि किताब पढ़ें, सालों से बैंक चल रही है तो बैंक के शेयर्स कितने के हैं ये तो मार्केट में कोई पूछ सकता है ना। नया आदमी भी ये मालूम कर सकता है, भाई अच्छा ये होंडा की कंपनी है, ये सुजुकी मोटर की कंपनी है, ये तो मैं सालों से देख रहा हूँ, ये नेशनल फूड है, मैं ये सालों से देख रहा हूँ, अच्छा इसके शेयर के प्राइस क्या है, बोला यार इस वक्त 200 रुपये हैं, अच्छा ये बताओ ये बढ़े हुए हैं कि गिरे हुए हैं, बोला हाँ भाई ये गिरे हुए हैं इस वक्त, और पहले इसके रेट 400 होते थे। ये होंडा कार है, हम सब देख रहे हैं ना, नया आदमी भी जान सकता है, भाई इसके रेट क्या है, गिरे हुए हैं बढ़े हुए हैं, भाई ये गिरे हुए हैं 200 रुपये चल रहा है, पहले क्या होता था, अच्छा भाई पहले 400 होता था, बोला सबसे हाईएस्ट कितना गया है, बोला 1200 गया है, तो फिर तैयारी लेना चाहिए। तो इस तरह करके लोग चीज़ें ढूंढ सकते हैं, पर प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ सट्टा कल्चर ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे है, हमारे यहाँ रातों रात पैसा बनाना ज़्यादा कल्चर है हमारा, इस चीज़ का कि हम रातों रात काम करें, जल्दी पैसा बना लें, बस ये 5 रुपये लगाएं, 5 के 10 हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसीज में देखा आपने कि पाकिस्तानी ज़्यादा इन्वॉल्व है उसके अंदर, और इसी तरह मेहनत करके और पैसे को 1 से 2, 2 से 4 करने वाला मेहनत वाला निज़ाम या जो कल्चर है यहाँ कम है, तो इन्वेस्टमेंट कल्चर कम है, इसीलिए लोगों को टिप्स की आदत है, जल्दी पैसा बनाने की आदत है। तो इसलिए ये मेहनत जो आप पूछ रही हैं टॉप 5 कंपनीज़, ये वैसे तो ढूंढना बहुत आसान है पर लोग करते नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि नेक्स्ट जो है ना आपको मार्केट कैसी लग रही है, नेक्स्ट वीक का जो है ना कैसा लग रहा है कि कैसा रहेगा मार्केट का? नेक्स्ट वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले महीनों में 1-2 महीने मार्केट इसी तरह चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, मार्केट अच्छी न्यूज़ पे ऊपर चली जाएगी और कुछ ख़राब न्यूज़ पे नीचे चली जाएगी। इसलिए बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को, और इस वक्त जो टेक्निकल रीबाउंड आया है उसको तेज़ी नहीं समझनी चाहिए। 44,000, 44,500 और 43,500 ये रेंज रह सकती है मार्केट की। कोशिश करनी चाहिए मार्केट जब डिप में आए तो उसमें ब्लू चिप्स और इस वक्त अच्छे स्टॉक्स जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हों उस पर ध्यान दें, और ट्रेडिंग को ज़रा अवॉइड करें। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती वक्त देने के लिए।
नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।